हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीयूईटी यूजी 2022 के जो फेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और फेज सेकंड के एडमिट कार्ड अभी तक बाद में आएंगे। तो फेज फर्स्ट के एडमिट कार्ड और सीटी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सीटी इन्फॉर्मेशन आए हुए आज दो दिन का टाइम हो गया है। कल मैंने आपको सीटी इन्फॉर्मेशन की डिटेल दे दी थी। तो आपको अपना एडमिट कार्ड फेज फर्स्ट के बच्चों को अपना एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है ये मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपको डालना है NTA CUET UG 2022। जैसे ही आप उसमें डालेंगे फर्स्ट पेज आपके पास आएगा। UG ज़रूर डालना, ध्यान रखना। उसमें आपके पास आएगा CUET UG 2022, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंटरफेस आएगा आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के अलावा यहाँ और कोई दूसरा, देखिए यहाँ पर और कोई दूसरा आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट एडमिट कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और देखिए जिस बच्चे का मैंने यहाँ पर फॉर्म खोल रखा था ये उसी के लिए एडमिट कार्ड निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है फेल्ड टू ओपन ड्यू टू एरर लोडिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। ये थोड़ा सा किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है अभी। देखिए यहाँ पर पहले से मेरे पास ऑलरेडी कुसी रानी किसी का यहाँ पर लॉगिन है तो उसका सेकंड फेज में है, इस वजह से यहाँ पर ये एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं एक बार इसको लॉग आउट करके फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं और पासवर्ड डालने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ये जैसे एप्लीकेशन नंबर हो गए, एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको अपने पासवर्ड डालने हैं। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार। इस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल लेने हैं। अब कई बच्चों की दिक्कत ये आ रही है कि सर हमारे पासवर्ड है क्या, हमें यही नहीं पता। तो देखिए जिनके पासवर्ड आपको नहीं पता है आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिनके पास उनके पासवर्ड नहीं है उनको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, सिंपली आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और फॉरगेट पासवर्ड के बाद आपको अपना काम कर लेना है, ठीक है। अब देखिए वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे आपके पास क्या इंटरफेस आएगा मैं बता देता हूँ। लॉगिन करेंगे, देखिए जैसे ये लॉगिन होगा, ये देखिए साइट नॉट रिच इंटरनेट इश्यू की वजह से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए जैसे ही लॉगिन हुआ और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है फिर से। और ये इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली प्रिंट एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा और ये एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड है तो देखिए जैसे इस बच्चे का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और एडमिट कार्ड में से साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का है, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है और जो इसका पेपर है वो 18 अगस्त को है। इंग्लिश, हिंदी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री का इसका पेपर है। स्लॉट जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 12:30 बजे तक का पेपर है। फेज टू है तो सेंटर का नेम फेज टू होने की वजह से अभी तक सेंटर का नेम इसका नहीं दिया गया है। देखिए जिस बच्चे का फेज टू है उसके सेंटर का नाम नहीं आएगा, जिस बच्चे का केवल फेज फर्स्ट है उसी के सेंटर का नाम आएगा। आपको ये कंप्लीट पेज डाउनलोड करके लेके जाना है, ये ध्यान रखना।
ये जितना भी 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है ये पूरा डाउनलोड करके आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पेज आपका जो सेकंड पेज है यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो पेज है ये भी आपको वर्क करना पड़ेगा, इसमें आपको ये पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए अगर आप आपका फेज फर्स्ट में एग्ज़ाम है यानी जल्दी एग्ज़ाम है, जुलाई के महीने में एग्ज़ाम है तो यहाँ आपका सेंटर दिख जाएगा। अगर आपका फेज फर्स्ट में नहीं है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड में सेंटर नेम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छे से, तो इस तरह से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर किसी के फॉरगेट पासवर्ड करना हो तो वो कैसे करेगा। देखिए इस पेज तक तो आप लोग पहुँच ही जाएंगे, देन उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये एंटर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये सिक्योरिटी पिन जितने भी हैं ये सारे के सारे स्मॉल में आपको ध्यान रखना है। आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने जब अपना फॉर्म भरा था तब आपने क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज किया था, अगर वो क्वेश्चन उसका आंसर अगर आपको पता है तो इस पर क्लिक कर देना। लेकिन सबसे ईजी है आपका वेरीफिकेशन कोड सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज फॉर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आप सेकंड पे सिंपली क्लिक कर दीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको अपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, आपको उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है और आपको यहाँ पर सिंपली सेंड वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आप क्लिक करेंगे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा और अगले पेज पे आपके पास कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन जो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे गया वो आ जाएगा। तो नया पासवर्ड आप वहाँ से बना सकते हैं, बना के फिर से लॉगिन कर लेना, आपके पास आपका एडमिट कार्ड निकल के डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।